लवली पीपल, वेलकम बैक टू मोमिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त नाजिया और आज मैं बात करने वाली हूँ उपटन के बारे में। वेल, मैं उपटन की रेसिपी तो नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन उपटन से रिलेटेड बहुत ही पॉपुलर एंड ऑसम सा प्रोडक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ। तो सदियों से कई कल्चर्स में ट्रेडिशनली उपटन अल्टीमेट ब्यूटी सीक्रेट रहा है। आयुर्वेदा में इसे स्किन को रिज्यूविनेट करने में, यानी कि नई लाइफ देने में, स्किन की डलनेस को प्रिवेंट करने में और स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है। लेकिन आजकल हमारा जो बिजी लाइफ स्टाइल हो गया है, इसकी वजह से हमें टाइम ही नहीं होता कि हम ट्रेडिशनल उपटन बनाएं घर पे। आपकी इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लाए हैं वाओ स्किन साइंस। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ उनकी उपटन रेंज में से वाओ स्किन साइंस का उपटन फोमिंग फेस वॉश और वाओ स्किन साइंस का उपटन फेस सीरम। तो क्या खास बातें इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में, क्या वाकई में इसमें उपटन की गुडनेस है या फिर ऐसे ही नाम है बस, ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाओ स्किन साइंस के उपटन फोमिंग फेस वॉश के बारे में, जो कि बिल्ट इन पंप के साथ आता है। ये इस प्रोडक्ट की आउटर पैकेजिंग है और ये अंदर से कुछ इस तरीके की पंप वाली बॉटल में आता है और इसके साथ ये कवर भी दिया होता है और ये बिल्ट इन ब्रश है इसमें विद सिलिकॉन ब्रिसल्स। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सिलिकॉन ब्रिसल्स हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत ही जेंटली एक्सफोलिएट करेंगे, जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उसको निकाल कर आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में हेल्प करते हैं। और इसका जो अंदर का मेन कंटेंट है जो कि है फेस वॉश, वो आता है डाइल्यूटेड फॉर्म में, क्योंकि ये फोमिंग फेस वॉश है। जब आप इसे पंप करेंगे इसमें से वो फोम के फॉर्म में निकलता है और फिर आप उसको ब्रश की मदद से अपने चेहरे पे मसाज करते हुए लगा सकते हैं एंड फिर फेस वॉश कर सकते हैं। अगर आप इस ब्रश को डेली यूज नहीं करना चाह रहे हो, किसी दिन बिना आपको ब्रश के यूज करना है, तो आप इसको बस इसके फोम को हाथों में ले लें अपने पाम्स में और फिर इस फोम को अपने चेहरे पे मसाज करके फिर आप फेस वॉश कर लें पानी से। तो वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स बनते हैं हिमालय में और उनके इंग्रेडिएंट्स ऑल ओवर द इंडिया सोर्स किए जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट रीजंस। एंड इस फेस वॉश में 98.1% ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। तो की इंग्रेडिएंट्स की अगर बात करें तो इसमें है चिकपी फ्लोर, यानी कि बेसन, जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है उपटन में और वो बहुत ज्यादा स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करके डेड स्किन सेल्स को निकालने में हेल्प करता है। एक नेचुरल स्क्रब का काम करता है, स्किन को एक अच्छा सा ग्लो लाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें सैफरन और टर्मरिक भी है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रिच होता है, जो कि आपकी स्किन को सन डैमेज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जो सन से टैनिंग वगैरह जाती है उसको भी दूर करने में ये हेल्प करता है और आपके जो डार्क स्पॉट्स एंड अनइवन स्किन टोन हो जाती है उसको इवन आउट करके एक ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन लाने में हेल्प करता है। तो आपकी स्किन काफी ग्लोइंग हो जाती है जब आप इसे यूज करते हैं इन इंग्रेडिएंट्स की वजह से। और इसमें है रोज वाटर एंड सैंडलवुड ऑयल, जो कि काफी हीलिंग एंड सूदिंग उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो आपके स्किन को काफी काम डाउन करता है, सूद करता है और स्किन में इरिटेशन या रैशेज वगैरह, स्किन प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें आलमंड पाउडर भी है जो कि अगेन एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है एंड विटामिन ई रिच होता है एंड आपके स्किन में फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, ये जो फेस वॉश है ये अल्टीमेट मतलब बहुत ज्यादा जेंटल है। आपको स्पेशली जो समर सीजन आ रहा है उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला ये वाला फेस वॉश। इट इज अ मस्ट हैव फेस वॉश फॉर यू, स्पेशली अगर आप उपटन वगैरह जो ट्रेडिशनल रेमेडीज है उनमें बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये यूज करना चाहिए, ट्राई जरूर से करना चाहिए। तो इस फेस वॉश में नेचुरल इंग्रेडिएंट तो है ही, लेकिन ये हार्मफुल केमिकल्स फ्री है, जैसे कि पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट एंड आर्टिफिशियल कलर का इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जब आपकी बॉटल एम्प्टी हो जाएगी तो अब इनका रिफिल पैक भी आता है जो आप ले सकते हैं, जो काफी कम प्राइस में आपको मिल जाता है। तो आपको ये बॉटल थ्रो करने की जरूरत नहीं, आप रिफिल पैक से वापस इसे फिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। रिफिल पैक में आपको इस तरीके का सिलिकॉन ब्रश भी एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अगर आपकी स्किन डल हो गई है, बहुत ज्यादा पैची स्किन है, डार्क स्पॉट्स हो गए हैं और आप अपनी स्किन को नई लाइफ देना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं, एक फ्रेशनेस चाहते हैं अपनी स्किन में, तो इस फेस वॉश को आपको यूज करना है। फॉर बेस्ट रिजल्ट आपको इसको कंबाइन करना है इस उपटन फेस सीरम के साथ। फेस सीरम के बारे में अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ये फेस सीरम को इस तरीके की आउटर पैकेजिंग में आता है और अंदर से ये कुछ इस तरीके की छोटी सी पंप वाली बॉटल में आता है। इसमें भी एक कैप दी हुई है ये, जो कि इस तरीके से खुल जाती है। इससे क्या होता है कि आप कंटामिनेशन प्रिवेंट होता है, मतलब आप जब भी यूज़ करें, यूज़ करने के बाद वापस से आप ये कैप लगा सकते हैं, जो कि मुझे बात बहुत अच्छी लगी। एंड इसको यूज़ करने से पहले आपको एक बार शेक करना है एंड फिर थोड़ी सी क्वांटिटी आपको अपने पाम्स में लेनी है, फिर आप डैब डैब करके अपने स्किन पे लगा सकते हैं या हल्का मसाज करके लगाएं, फिर हल्के से प्रेस कर लें डैब डैब करके। तो इस फेस सीरम में भी वो सारी चीज़ें हैं जो फेस वॉश में मैंने बताई, जो कि उपटन के ट्रेडिशनल रेसिपीज में पाई जाती हैं, जैसे कि सैंडलवुड ऑयल, टर्मरिक, चिकपी फ्लावर एंड
एंड रोज वाटर एंड स्वीट आलमंड ऑयल एंड हाइलुरोनिक एसिड भी है इसमें, जो कि आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर इंग्रेडिएंट है स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड हेल्प करता है कोलाजन प्रोडक्शन में एंड आपको एंटी एजिंग इफेक्ट देता है. तो ये सारी गुडनेस आपको मिल जाती है इस फेस सीरम में. तो दिस फेस सीरम इज ऑयल फ्री, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है स्पेशली स्वेटी समर सीजन में ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, बिकॉज स्किन को बहुत ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम ऑयली फीलिंग नहीं होती है आपको. लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है या आप विंटर सीजन में अगर इसे यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इसे लगाने के बाद जब ये एब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में अच्छे से, उसके बाद आपको इसे फॉलो करना है एक अच्छे अपने कोई सभी फेवरेट मॉइस्चराइजर के साथ आप इसे कंबाइन करेंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा. सो दिस सीरम इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम ऑल हार्मफुल केमिकल्स लाइक पैराबेन, सिलिकॉन, सल्फेट एंड आर्टिफिशियल कलर. एंड ये जो दोनों ही प्रोडक्ट है, फेस वॉश एंड फेस सीरम, ये सूट करते हैं ऑल स्किन टाइप्स को. तो दोस्तों ये दोनों ही प्रोडक्ट मैंने खरीदे वाओ स्किन साइंस के ऐप से. ऐप पर आपको मिल जाएंगे ऐप स्पेसिफिक ऑफर्स एंड डील्स बहुत ही ऑसम से. ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वाओ ऐप डाउनलोड करना बहुत आसान है, प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप वाओ ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. तो वंस यू हैव डाउनलोडेड द ऐप, आपको ऐप को ओपन करना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मैं डायरेक्टली ओपन कर रही हूँ. उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना जहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, वहां पर आपको अकाउंट में जाकर साइन अप करना है. अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो क्रिएट अकाउंट आपको करना है, अपने डिटेल्स डाल के, ईमेल आईडी वगैरह डाल के. एंड उसके बाद वंस यू हैव लॉग्ड इन, आप अपने जो भी मन चाहे प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली बाय कर सकते हैं. ट्रस्ट इन वाओ, ट्रस्ट इन नेचर. नाउ ऑल योर फेवरेट वाओ स्किन साइंस प्रोडक्ट यू कैन बाय फ्रॉम योर नियरेस्ट स्टोर. एंड वाओ स्किन साइंस के स्टोर्स को फाइंड करने के लिए आपको वाओ स्किन साइंस के ऐप पर जाकर स्टोर लोकेटर पे आप फाइंड कर सकते हैं. तो दोस्तों ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू एंड एक्सपीरियंस अबाउट द उपटन रेंज फ्रॉम वाओ स्किन साइंस ब्रांड. आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो. वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल मोमिस्तान को जरूर सब्सक्राइब करें अलॉन्ग विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियोज आपसे मिस ना होने पाए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू सून विद अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.